नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू ब्लॉग और एक और नई रेल यात्रा में। आज मैं हूँ उत्तराखंड के टनकपुर रेलवे स्टेशन पर। आज की हमारी यात्रा होगी 050-62 टनकपुर मथुरा एक्सप्रेस में, जो कि एक स्पेशल ट्रेन है और इसकी सीमा अब दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आज इसमें हम जर्नल में इसके जर्नल कोच में यात्रा करेंगे एंड टू एंड तक, टनकपुर से मथुरा तक। इसको बोर्ड करते हैं, फिर देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ये है जी खूबसूरत सा टनकपुर रेलवे स्टेशन। और ये खड़ी है अपनी नीले कोच वाली, ICF कोच है जी, इसमें मथुरा टनकपुर स्पेशल ट्रेन। जीरो 050-62 टनकपुर मथुरा एक्सप्रेस अपने ट्रैवल टाइम में 6 घंटे 21 मिनट में 326 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 12 होल्ट के साथ, और इसकी एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है इसकी 110 किलोमीटर पर आवर। आज इस ट्रेन में हम यात्रा करेंगे एंड टू एंड, देखेंगे कैसी आज जर्नल में कैसी रहेगी। बाकी भीड़ बहुत है माता रानी का। टनकपुर में माता पूर्णागिरी 51 शक्ति पीठ में से एक धाम माता का पूर्णागिरी धाम है यहाँ पे, जहाँ पे माता की नाभि गिरी थी, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बड़ी भीड़ है। बाकी देखते हैं जर्नी करके कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लगे रहिए मेरे साथ और वीडियो में बने रहिए, लाइक कर देना प्लीज़। ये है जी अपना लोको जो हमें मथुरा तक लेकर जाएगा जी टनकपुर से। टनकपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर कुल टोटल ही 3 प्लेटफॉर्म है, 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 12 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। इसका स्टेशन कोड है TPU और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के इज्जतनगर डिवीज़न के अंडर आता है ये टनकपुर रेलवे स्टेशन। बिल्कुल ही नेपाल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है रेलवे स्टेशन है ये। दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 4:15, अभी अपनी ट्रेन को निकलने में आधा घंटा है का टाइम है। बाकी 050-62 6 घंटे 21 मिनट में 328 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 15 होल्ट के साथ। आज देखते हैं जर्नल में सफ़र करेंगे, पूरी जर्नल ट्रेन है। बाकी भीड़ बहुत है पूर्णागिरी माता के मेले के कारण। ये राजी आज का अपना जर्नल क्लास का कोच। टनकपुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ टनकपुर मथुरा एक्सप्रेस का। कहाँ जाएगा भाई? एटा। अरे कासगंज जाएगा भाई। 115 रुपए में टनकपुर से मथुरा इस तरीके से जा सकते हैं हम। गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों, खटीमा में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोकल्स स्टेशन की सैर करने निकल गए सुबह सुबह। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग कर दी है मथुरा एक्सप्रेस। तेईस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दोस्तों पहुंच चुकी है मथुरा एक्सप्रेस अपने पहले हॉल्ट खटीमा में। खटीमा फेमस है यहां पर गुरुद्वारा मत्था साहिब है,
और गुरुद्वारा मत्था साहिब लेक देखने के लिए बहुत सारे यात्री आते हैं यहाँ पे। और इसकी बात करूँ KHMA इसका स्टेशन कोड है, 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन के अंदर आता है, उत्तराखंड के खटीमा। वेलकम टू उत्तर प्रदेश दोस्तों, पीलीभीत एक नंबर प्लेटफॉर्म पे रैलिंग करती है मथुरा एक्सप्रेस। बहुत सारे यात्री वेट कर रहे हैं ट्रेन का। बासठ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मथुरा एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने सेकंड हॉल्ट खटीमा पीलीभीत रेलवे स्टेशन सॉरी, और आई है 5 मिनट डिले। पीलीभीत को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहां से शाहजहांपुर के लिए गई हुई है और एक सीतापुर होते हुए लखनऊ के लिए भी गई हुई है। बाकी हम बरेली कासगंज लाइन पर तो चल ही रहे हैं, टनकपुर लाइन, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। और 24 ट्रेन का डेली हॉल्ट है यहाँ पर, और 10 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 10 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर। बांसुरी प्रोडक्शन होता है यहाँ की, बांसुरी विश्व प्रसिद्ध है। TBE स्टेशन कोड, और 2 मिनट के होल्ट के बाद पीलीभीत से निकलती है मथुरा एक्सप्रेस। लालगुआ काशीपुर लाइन भोजीपुरा अराइविंग करते हुए मथुरा एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 5 मिनट डिले है, 6:15 का टाइम था अराइविंग का, 6:20 तक पहुंच गए, 5 मिनट डिले हो गई। एक 101 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 5 मिनट डिले के साथ पहुंची है मथुरा एक्सप्रेस भोजीपुरा जंक्शन। भोजीपुरा से डिपार्चर होता हुआ 2 मिनट के होल्ड के बाद मथुरा एक्सप्रेस का। नगर अराइविंग करती हुई 0562 एक नंबर प्लेटफॉर्म पर मथुरा एक्सप्रेस। स्टेशन कोड IZN
या रेल कहते इज्जत नगर। तभी तो फेल है गए। अरे भैया लग गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मैं बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि अगर बाहर निकल जाता तो जो खड़े होने की जगह थी वो भी ना मिलती शायद। इस वजह से मैंने भीड़ का आलम आपको दिखाया है। बाकी धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। भाई नीचे तो दिखा दो ना। रे भोपाली आ रहे, भोपाली रे रे 1 रुपया ले ले वो गिर गौ ले ले बदायूं में अराइविंग करती हुई अपनी मथुरा एक्सप्रेस। जरी जरदोरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जैसे गोटा और लहंगा वगैरह पे डिजाइनिंग करने के लिए फेमस बदायूं शहर से डिपार्चर होता हुआ मथुरा एक्सप्रेस का, और बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पे भी उतरे और बोर्ड किए। बहुत भीड़ थी दोस्तों, मथुरा एक्सप्रेस का आप भीड़ से अंदाजा लगा लो कि क्या आलम होगा यहाँ पर। जरी जरदोरी के लिए फेमस बदायूं। नहीं है मेन मार्केट में बता रहा हूँ, मैं चाचा को तारो, मैं चाचा को दोस्तों साथी पैसेंजर के साथ खूब मस्ती करी। देखो बेवकूफ आते हैं वो ऊपर लटक जाते हैं, जगह नहीं मिलती तो।
जय गंगा मैया। ये गंगा मैया का एक कनाल इधर से निकाला हुआ है, बहुत ही भव्य दर्शन हुए। दो सौ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी टनकपुर मथुरा एक्सप्रेस पहुंची है 15 मिनट डिले के साथ। सोरो शुकर क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है जहां पर इसे कहा कहते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार 12 अवतार ने स्वर्ग की यात्रा की थी। वहां पर एक कुंड है और मरने के बाद उनकी अस्थियां, बहुत सारे हिंदुओं की अस्थियां वहां पर बहाई जाती हैं। और ये वही स्थली है जहाँ पर महान कवि संत कबीर दास ने जन्म लिया और भगवान श्री राम का की कथा लिखी। सौरव शुक्र क्षेत्र से, शुक्र क्षेत्र से बाबा मैं बाबा दो मिनट के बाबा देखो बाबा बाबा 25 में भी आ जाएगा। काशगंज जंक्शन पर अराइविंग करती हुई मथुरा एक्सप्रेस। मतलब 70,000 सब्सक्राइबर है। काशगंज के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई मथुरा एक्सप्रेस। दोस्त और भाई लोग, बहुत सारे यात्री उतरे हैं भाई, यहाँ पे डिबोर्ड हो रहे हैं बहुत सारे यात्री काशगंज में मथुरा एक्सप्रेस से। कौन सी ट्रेन आई हो? दरभंगा एक्सप्रेस अराइविंग करती हुई काशगंज एक्सप्रेस पे, काशगंज रेलवे स्टेशन पर। काशगंज को दोस्तों हम धार्मिक नगरी भी कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, श्री राम भगवान जी का, भगवान 12 अवतार का, महादेव का और माता गंगा जी का, और 120 किलो घंटे वाले मंदिर सोरों में भी है, तो धार्मिक नगरी बोल सकते हैं काशगंज को हम। यहाँ की दाल वाली पकौड़ी अभी मैंने आपको दिखाई, बहुत टेस्टी हैं, एक बार कभी इधर आओ तो ट्राई करना ज़रूर। काशगंज का स्टेशन कोड है KSJ, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और कुल टोटल ही 44 ट्रेन का डेली होल्ट है। 17 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 17 ट्रेन टर्मिनेट होती है। बाकी ट्रेन में अब तक इतनी भीड़ थी के सिर्फ एक टांग पे खड़ा था दोस्तों, बस अब जाके थोड़ा सा राहत मिलेगी, अब बैठूंगा आराम से फिर बातचीत करेंगे। बाकी अब तक ट्रेन की जर्नी आपने देखी, बढ़िया चल रही है, अच्छी ट्रेन है ये और डेली होनी चाहिए, अभी भी 4 दिन चल रही है तो 5 दिन चल रही है तो डेली होनी चाहिए। काफ़ी भीड़ इसमें चल रही है टनकपुर से
काशगंज के बीच में या बरेली, बहुत मतलब यात्रीगण इसमें सवार हो रहे हैं। काशगंज से राइट टाइम 9 बजे डिपार्चर होता हुआ, 10 मिनट का होल्ड था और 17 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर होता हुआ कनकपुर मथुरा एक्सप्रेस का काशगंज के एक नंबर प्लेटफॉर्म से। दोस्तों 286 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन। 10:15 का टाइम था यहां पर पहुंचने का और 9:55 पर भी पहुंच गया, मतलब 20 मिनट का यहां टाइम मिलेगा अभी स्टॉप रुकने का हमें यहां पर। बढ़िया जी, हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है HTC और यहाँ पर कुल टोटल ही 50 ट्रेन का डेली होल्ट है। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। हाथरस फेमस है अपने तेल और कॉटन मिल्स के लिए और यहाँ के जो हाथरस के छठेरे समाज द्वारा बनाए गए हाथों के बर्तन, पीतल के जो अपने हाथ से वो ठोक ठोक के बनाते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है, विदेशों में भी उनकी सप्लाई होती है यहाँ से। हाथरस सिटी फेमस है अपने हस्तशिल्प उद्योग छठेरा समाज द्वारा बनाए गए और विदेशों में भी इनकी सप्लाई है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के अंदर आता है ये। बिल्कुल टाइम से ऑनकिंग होगी और डिपार्चर हो रहा है 10:15 छावनी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अराइविंग करती हुई 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की हमारी ट्रेन यात्रा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये ट्रेन यात्रा, आप कमेंट करके, लाइक शेयर करके और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। बाकी ट्रेन अच्छी है और जर्नल ट्रेन में बहुत ज़्यादा डब्बे ना होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
बाकी मिलते हैं ऐसी नहीं और जर्नी में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।